सीएम योगी आज मुंबई में करेंगे रोड शो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी मुंबई में करेंगे रोड शो। मुंबई में सीएम योगी का हुआ भव्य स्वागत। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी ने संभाली रोड शो की बागडोर। देश के बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश की ओर देख रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आज मुंबई में रोड शो करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उद्योगपतियों को आमंत्रित करने मुंबई पहुंचे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आज मुंबई में रोड शो करेंगे। सीएम योगी ने रोड शो की संभाली बागडोर। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई में सीएम योगी का हुआ भव्य स्वागत। देश के बड़े निवेशकों के उत्तर प्रदेश की ओर आमंत्रित करेंगे सीएम योगी। विदेशों के बाद अब मुंबई से होगा घरेलू रोड शो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश के बड़े उद्योगपतियों से मिलेंगे सीएम योगी। सीएम योगी से अभिनेता अक्षय कुमार ने मुंबई में की मुलाकात। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस ने सीएम योगी से की मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मुंबई पहुंचे सीएम योगी। मुंबई में सीएम योगी का हुआ भव्य स्वागत। आज रोड शो करेंगे सीएम योगी। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, सीएम योगी जो है मुंबई पहुंच चुके हैं और आज वो रोड शो करेंगे, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर? जी रागनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कल सीएम 2:30 बजे यहां से लखनऊ से रवाना हुए और मुंबई पहुंचे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के उद्योगपति घरानों को एक तरह से निमंत्रण पत्र देने के लिए पहुंचे हैं कि जो फरवरी में यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है उसमें ये लोग शिरकत करें और जो यहाँ पे अवसर है उसका फायदा लें और साथ ही साथ वह निवेश यूपी में करें। चूँकि आपको बता दें कि 17 लाख करोड़ के निवेश का जो टारगेट रखा गया है उसका जिम्मा उसकी बागडोर कहीं ना कहीं सीएम योगी ने संभाल ली है और इसी के सिलसिले में वो इस समय मुंबई में है। मुंबई पहुंचने के बाद कल वहां पे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और जो बड़े नेता वहां के हैं और बड़े जो पदाधिकारी हैं वो उनका स्वागत किए सीएम योगी का। और उसके बाद से सीएम योगी ने प्री ग्लोबल समिट कार्यक्रम में कहा कि बुलडोजर जो है वो कहीं ना कहीं अमन और विकास दोनों का प्रतीक बन सकता है। हम जो है कि धर्म नगरी से अर्थ नगरी यानी आर्थिक राजधानी मुंबई में आए हुए हैं और यहाँ जो उद्योगपति घराने हैं जो भी जो उद्योग ग्रुप है औद्योगिक ग्रुपों को न्योता निमंत्रण देने आए हैं। पहले जो यूपी का माहौल था वो अब एकदम से बदल रहा है, यानी सीएम ने महाराष्ट्र में भी जाकर के यूपी में जो एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है उसको वहाँ पे गिनाया है कि कैसे यहाँ पे क्राइम लेवल जो है वो धीरे धीरे जीरो होता जा रहा है और एक अच्छा अवसर निवेशकों के लिए खुलता जा रहा है। मुंबई में आज जो रोड शो होगा उसकी बागडोर सीएम योगी ने संभाली है, वहीं 10 से 12 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। बिल्कुल, चूंकि आज दूसरे दिन का उनका कार्यक्रम रोड शो का है और रोड शो के माध्यम से सीएम जो है कि बताना चाहेंगे कि जो वहाँ के औद्योगिक ग्रुप हैं वो कहीं ना कहीं आए और निवेश करें उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय जो माहौल बना हुआ है निवेशकों के लिए एक अच्छा माहौल तैयार किया है सरकार ने। चूँकि सीएम जब वहाँ पहुँचे तो उनसे फिल्म जगत के लोगों ने भी मुलाकात की और चूंकि आपको बता दें कि जब 2020 में सीएम योगी गए थे महाराष्ट्र तो उन्होंने वहां पे घोषणा की थी कि यूपी में भी एक फिल्म सिटी बनाई जाएगी नोएडा में। अभिनेता अक्षय कुमार ने सीएम योगी से मुलाकात की और नोएडा में बन रही फिल्म सिटी के बारे में भी बात करी है। जी रागनी, चूंकि कल अभिनेता अक्षय कुमार और तमाम जो फिल्म जगत के जो लोग थे वो सीएम योगी से मुलाकात किए और लगभग ये उनकी मीटिंग जो है कि 35 मिनट चली और इस 35 मिनट के बातचीत में अक्षय कुमार की तरफ से कहा गया कि यहाँ जो मुंबई माया नगरी में जो फिल्म के कलाकार हैं और जो प्रोड्यूसर हैं और जो डायरेक्टर हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि यूपी में जो फिल्म सिटी तैयार हो रहा है वो जल्द से जल्द बन के तैयार हो और वहाँ भी उन लोगों को काम करने का एक अच्छा अवसर मिले। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो राम सेतु मूवी जो बनाई है अक्षय कुमार ने इसको भी सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए अक्षय कुमार ने आग्रह किया। तो एक तरह से सीएम की तरफ से जो कहा गया था कि यूपी में मुंबई की तर्ज पे ही एक फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा और उसमें जो है कि फिल्में बनाई जाएंगी तो उसका भी फिल्म जगत को कहीं ना कहीं इंतजार है। साथ ही साथ सीएम ने कहा कि यहाँ पे जो चुनौतियां मिलती हैं उससे लोगों को घबराना नहीं चाहिए, पलायन नहीं करना चाहिए, बशर्ते चुनौतियों को स्वीकार करके और अपना कार्य करना चाहिए। तो एक तरह से मैसेज है सीएम योगी का कि महाराष्ट्र चूंकि आर्थिक नगरी के रूप में मुंबई को देखा जाता है
तो आर्थिक राजधानी मुंबई से उनकी अपील है कि जो निवेशक है, जो इन्वेस्टर है, जो औद्योगिक घराने हैं, वो कहीं ना कहीं यूपी में निवेश करें और जो यहाँ पे एक अच्छा माहौल दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसका फायदा उद्योगपतियों को मिले और साथ ही साथ उद्योग का फायदा, निवेश का फायदा यूपी की जनता को मिले। रागनी, सीएम योगी मुंबई में मिलेंगे, वहीं 7 और राज्यों में सीएम योगी ये रोड शो करेंगे, क्योंकि जो निवेश, घरेलू निवेश की बात करें, जैसे कि विदेशों से निवेश आ चुका है, लगभग 7 लाख का निवेश विदेशों से इकट्ठा हुआ है, 10 लाख से लेकर 17 लाख का लक्ष्य कर दिया गया है, और इसके लिए इसको लेकर उद्योगपतियों से सीएम योगी और भी राज्यों में मिलेंगे। जी रागनी, चूंकि 7 बड़े शहरों का कार्यक्रम है, इसके बाद से सीएम का चेन्नई भी कार्यक्रम है, उसके बाद बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद जाएंगे, तो इस तरह से देश में जो बड़े बड़े जहां पे औद्योगिक निवेश और औद्योगिक ग्रुप जहां काम कर रहे हैं वहां जाएंगे और औद्योगिक कंपनियों को एक तरह से सीएम की तरफ से आह्वान किया जाएगा, एक निमंत्रण पत्र दिया जाएगा कि आप लोग जो फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसमें आए और यहाँ के जो माहौल है उसको देखने की कोशिश करें, उसके बाद कहीं ना कहीं निवेश करें। जो 17 लाख करोड़ की बात हो रही है जो निवेश का एक टारगेट रखा गया है, उसमें से आपको बता दें कि बीते दिनों योगी, टीम योगी के जो मंत्री थे वो विदेश दौरे पे गए थे और विदेश दौरे पे कहीं ना कहीं वो अमेरिकी कंट्रियों से जो है कि 7 लाख करोड़ का प्रस्ताव लेकर के आए हुए हैं, तो 10 लाख करोड़ अभी और प्रस्ताव एक तरह से लाना है, तब जाके ये जो टारगेट जो बनाया है सरकार ने वो पूरा होगा कि इस बार जो निवेश का टारगेट है वो 17 लाख करोड़ किसी तरह पूरा हो। तो योगी इस क्रम में अभी अभी 6 शहरों में और जाएंगे और वहां पे कम से कम जो औद्योगिक घराने हैं, उद्योगपति हैं, उनको उनके साथ मीटिंग उनकी होगी। टीम योगी के साथ इस समय अधिकारियों का भी एक प्रतिनिधिमंडल है जो वहां के औद्योगिक कंपनियों के पदाधिकारियों से बातचीत कर रहा है कंटिन्यू, तो एक तरह से आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है कि निवेशक जो है यूपी का माहौल देखें और यहां पर आएं और ज्यादा से ज्यादा यूपी में निवेश करें, क्योंकि सरकार की तरफ से यहां की उपलब्धियां गिनाई गई हैं कि जो पहले लोग यूपी में आने की कोशिश नहीं करते थे उनके लिए अब अच्छा माहौल है, क्राइम ग्राफ 0 होता जा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, साथ ही साथ आप यहां आकर के सरकार की तरफ से जो फैसिलिटी दी जाएगी उसका लाभ लें और निवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका फायदा यूपी की जनता को होगा, जीडीपी भी बढ़ेगी। तो एक तरह से जो सीएम की कवायद है वो कहीं ना कहीं जो आर्थिक व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की उसको सर्वोपरि सबसे ऊपर ले जाने की ये कवायद है और इसी क्रम में आज मुंबई में रोड शो होगा सीएम का। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद पंकज, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे। सीएम योगी आज मुंबई में रोड शो करेंगे, कल सीएम योगी मुंबई पहुंचे थे जहां उनका भव्य स्वागत किया गया था।